तपती गर्मी से जूझ रहे गुजरात राज्य के नागरिकों को गर्मी से आंशिक राहत देने का अनुमान मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिमन्यु चौहान ने जताया है। आने वाले हफ्ते की बात करें तो गुजरात में मुख्य तौर पर वेदर ड्राई बना रहेगा। साथ ही साथ हम बात करें पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम गुजरात में, तो मुख्य तौर पर पिछले 24 घंटों में जो है किसी भी तरीके की रेनफॉल दर्ज नहीं की गई। साथ ही साथ अधिकतम तापमान जो अहमदाबाद में दर्ज किया गया 43.2 डिग्री सेल्सियस तथा गांधीनगर में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही साथ ये तापमान जो है पिछले 24 घंटों में फॉलिंग टेंडेंसी में रहा है और आगे आने हफ्ते में भी जो है अधिकतम तापमान जो है अपने नो लार्ज चेंज में बना रहेगा विद फॉलिंग टेंडेंसी। 1-2 डिग्री की गिरावट जो है अधिकतर हिस्सों में देखने को हमें मिल सकती है। नॉर्थ गुजरात की कुछ हिस्सों में जो है तापमान जो है 2-3 दिन तक नो लार्ज चेंज मेंटेन करेगा जैसा 24 घंटों में रहा उसी तरीके से वो 43-44 डिग्री के आसपास मेंटेन कर सकते हैं। बाकी जगहों पर तापमान 1-2 डिग्री और गिरेगा अगले 5 दिनों के लिए। साथ ही बात करें कोस्टल एरियाज में जो है अगले 5 दिनों के लिए हॉट एंड ह्यूमिड वेदर बना रहेगा जिससे डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा कोस्टल एरिया में सभी गुजरात और सौराष्ट्र के कोस्टल एरियाज में। साथ ही साथ हम बात करें रेनफॉल की, सो अगले 5 दिनों के लिए जो है रेनफॉल के किसी भी तरीके कोई भी अभी आसार देखने नहीं मिल रहे हैं। मोस्टली वेदर ड्राई बना रहेगा। अगले 3 दिनों के लिए जो है स्ट्रॉन्ग विंड सरफेस विंड कंडीशन बनी रहेगी गुजरात के नॉर्दर्न हिस्से में तथा सौराष्ट्र के नॉर्दर्न पार्ट में। मुख्य तौर पर जो हवाएं जो है 25 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है फोरकास्ट की गई है अगले 3 दिनों के लिए। साथ ही साथ बात करें मिनिमम तापमान की, वो भी अपने नो लार्ज चेंज में बना रहेगा।